नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, आज का जो अभ्यास है वो प्राणायाम के अंतर्गत शीतली प्राणायाम हम लोग करेंगे। तो प्राणायाम करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो प्राप्त होते हैं। और साथियों, और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट करने से हमें आपके सुझाव मिलते हैं और हम प्रयास करते हैं कि और अच्छे से अच्छी जानकारियाँ आपके सम्मुख योग में प्रेषित करें। तो अभ्यास का नाम है शीतली प्राणायाम। किस तरह से करते हैं? सर्वप्रथम किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, उसके बाद दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। आप बिल्कुल मुस्कुराती हुई मुद्रा में बिल्कुल लंबी गहरी सांस को बिल्कुल हम टंग से अंदर की ओर, एक जीभ को हम क्या करते हैं, चोंच की चोंच नुमा बना लेते हैं इस तरह, और लंबी गहरी सांस मुंह से खींचते हैं इस चोंच नुमा अवस्था से और नासिका से सांस को छोड़ते हैं। तो किस तरह से करेंगे? बिल्कुल अपने स्थान पर मुस्कुराती हुई मुद्रा में बैठेंगे, आँखों को सहस्तंभ भाव से बंद कर लेते हैं और चौंच नुमा अवस्था में जीभ को बाहर निकालते हैं। एक बार पुनः कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा मुंह से सांस लें चौंच नुमा अवस्था में। तो ये है शीतली प्राणायाम। इसको आप 11 से 21 बार कर सकते हैं। ये गर्मियों के दिनों में किया जाने वाला, जब ग्रीष्मकालीन सत्र होते हैं उस समय हम इस अभ्यास को करते हैं। जैसा कि नाम ही शीतली है, जहाँ पर शीतलता होगी वहाँ पर संपन्नता होगी, जहाँ पर शीतलता होगी वहाँ पर सरलता होगी, जहाँ पर शीतलता होगी वहाँ पर जीवन के समस्त समाधान होंगे। क्योंकि मन शांत, बुद्धि शांत, तो शरीर भी स्वतः ही शांतिपूर्वक समस्त प्रकार के निर्णयों को लेता है। तो कहने का अर्थ है, शीतलता प्राणायाम हमारे शरीर के इस तापक्रम को, जब हम ग्रीष्मकालीन सत्र में या ग्रीष्मकालीन प्रदेश में कहीं पर जाते हैं उस समय इसका हम प्रयोग करते हैं इस अभ्यास का। तो इससे हमारे अंदर, और साथ ही साथ शीतली प्राणायाम करने से हमारे अंदर जल तत्व की कमी भी पूरी होने लगती है। अगर आप किसी उष्ण प्रदेश में हैं और आपको पानी की बहुत अत्यधिक प्यास लगी है, पानी नहीं है, तो आप इस अभ्यास को करेंगे तो धीरे धीरे इससे आपकी प्यास भी बुझना आरंभ हो जाती है, प्यास शांत होती है। तो कहने का अर्थ है, ये शांति प्रदान करने वाला अभ्यास शीतली प्राणायाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं और अपने कमेंट भी हमें जरूर प्रेषित करें, संप्रेषित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।